आपकी जय हो दंडनायक। धन्य है शनिदेव, धन्य है। आपकी मारक शक्ति फिर से जागृत देखकर राहु का मन प्रसन्न हो गया। राहु, कैसी लगी हमारी योजना? सुंदर, अति सुंदर भाग्य विधाता। यक्षों को प्रेरणा देकर अपनी आज्ञा को ठुकराने वाले दुष्ट उत्तम को दंडित करवा दिया। अब तो आपकी शक्ति का लोहा उस विष्णु भक्त ध्रुव को भी मानना पड़ेगा शनिदेव। प्रभु, मैंने यक्षों से उत्तम को दंडित करवाकर संसार में विष्णु भक्तों की कीर्ति को धूल में मिला दिया है। आपके समान दंडदाता इस संसार में दूसरा कोई नहीं। अब संसार में विष्णु भक्त ध्रुव की भी निंदा हर स्थान पर होगी। पृथ्वीवासी अपने भाई की रक्षा न कर पाने का आरोप ध्रुव पर लगाएंगे। आप धन्य हैं भाग्य विधाता शनिदेव, आप धन्य हैं। उत्तम को दंडित करने के पीछे हमारा केवल एक ही उद्देश्य था राहु, केवल एक ही उद्देश्य कि हम संसार को दिखा देना चाहते थे कि हमारे कुदृष्टि के सम्मुख विष्णु भी अपने भक्तों की रक्षा नहीं कर सकता। आपकी योजना के चक्रव्यूह में छलिया विष्णु का छल, नीति अनीति कुनीति सब कुछ ध्वस्त हो गया शनिदेव। आप धन्य हैं भाग्य विधाता शनिदेव, आप धन्य हैं। प्रभु, इस संसार के समस्त राग द्वेष छल कपट नीति अनीति कुनीति ता ईर्षा और अहंकार के स्वामी भाग्य विधाता शनिदेव की कुदृष्टि एक बार जब किसी पर पड़ जाती है राहु, एक बार, वो अपमान उपेक्षा और तिरस्कार का पात्र बन जाता है। ध्रुव उत्तम की मृत्यु पर आंसू बहाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। भैया उत्तम, तुम्हारी इस असमय मृत्यु का उत्तरदायी मैं हूं। मैं समय के रहते मुझे तुम्हें रोक लेना चाहिए था भैया। एक सम्राट के नाते तुम्हें कहीं भी जाने से रोकने का मुझे अधिकार था, आज मैं अपनी दृष्टि में गिर गया हूं भैया। मैं माता श्री सुरुचि का अपराधी बन गया हूं। अब मैं जीवन भर माता श्री से आंखें नहीं मिला पाऊंगा। ये तुमने क्या किया उत्तम? तुमने मेरी बात मान क्यों नहीं ली भैया? तुमने मेरी बात मान क्यों नहीं ली? तुमने मनुवंश को किस विपदा में डाल दिया भैया? भैया, दुष्ट पापी यक्षों, हम तुम्हें इतना कठोर दंड देंगे कि तुम्हारी जाति का अस्तित्व सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब तक संसार ने भागवत भक्त ध्रुव की भक्ति देखी है, अब संसार ध्रुव का उग्र रूप देखेगा, उग्र रूप देखेगा, उग्र रूप देखेगा। यदि मैंने सच्ची विष्णु भक्ति की है तो मेरा ये तीर संसार से यक्ष जाति का अंत करने में सफल हो। Yeah!
भक्तराज ध्रुव, दया करें भक्तराज ध्रुव। हे भागवत भक्त महाराज ध्रुव, हम आपके शरणागत हैं। प्रहार करने से पहले हमारी प्रार्थना सुन ले महाराज। मनुवंश युवराज उत्तम पर प्राण घातक प्रहार करने का कारण? क्षमा करें महाराज, इसमें यक्षों का कोई दोष नहीं है। युवराज उत्तम ने अकारण ही अनेक यक्षों को हताहत कर दिया। अकारण? अकारण युवराज उत्तम ऐसा क्यों करेंगे? दंड और मृत्यु के भय से यक्ष जाति में जन्म लेने वाला असत्य का सहारा नहीं लेता। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो नदी किनारे पड़े यक्षों के शव आप स्वयं देख लें। वे सब युवराज उत्तम के अकारण क्रोध के पात्र बन गए। हमें तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं होता यक्षराज, क्या तुम अपनी जाति को निर्दोष प्रमाणित कर सकते हो? आपकी दृष्टि में इस समय हम अपराधी हैं, इसलिए हमारे किसी भी प्रमाण का आप विश्वास नहीं करेंगे। इतिहास साक्षी है, यक्ष जाति युद्ध और उन्माद की नहीं, प्रेम कला नृत्य और संगीत की उपासक है। महाराज, युवराज उत्तम ने हमें युद्ध के लिए विवश कर दिया। हमें अपने प्राणों की रक्षा के लिए अस्त्र उठाने पड़े महाराज। यक्षराज की बात पर संदेह अनुचित है। इस जाति का इतिहास प्रारंभ से ही अहिंसा प्रिय रहा है। दोष तुम्हारा है ध्रुव, दंड तो तुम्हें मिलना चाहिए। अपने धनुष पर यक्ष जाति का अंत करने के लिए तुमने जो तीर चढ़ाया है उससे अपने राग द्वेष मोह ममता पर प्रहार करो ध्रुव। तुम सत्य कह रहे थे उत्तम, तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हारा पीछा कर रहा था। उसी दुर्भाग्य के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है उत्तम, उत्तम। तुम सोच क्या रहे हो? क्या तुम मोह माया के इन बंधनों को त्यागना नहीं चाहते? तुमने भगवान विष्णु की भक्ति से तपस्या क्या इसी दिन के लिए की थी? जब उत्तम को युवराज पद मिल चुका था तो तुमने राज्य की लालसा ही क्यों की? उत्तम को राज्य सौंप कर तुम भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित क्यों नहीं हो गए ध्रुव? समर्पित क्यों नहीं हो गए? ये तुमने क्या किया पुत्र? तुम्हें किस बात की लालसा थी, किस बात की निराशा थी पुत्र? तुमने मुझसे एक बार कहा तो होता, मैं कम मिलाकर राजपाट तुम्हारे चरणों में डाल देती। तुमने हमारे शत्रुओं को सिर उठाने का अवसर दे दिया पुत्र। ये तुमने क्या किया पुत्र, ये क्या किया? इस दुर्घटना के उत्तरदायी तुम हो ध्रुव, तुम केवल तुम। अब सोच विचार ना करो, धनुष पर चढ़े हुए इस तीर से अपनी मोह ममता का अंत कर डालो, अंत कर डालो, अंत कर डालो, अंत कर डालो। नारायण नारायण, ठहरे महाराज ध्रुव ठहरे। भक्तराज ध्रुव, जो शब्द जन्म से अब तक देव देवेश्वर भगवान नारायण की भक्ति के साथ आपके हृदय में प्रकट हुए थे, उन्हें आज आपकी अंतरात्मा का स्वर मिला है। देव ऋषि? हाँ भक्तराज, जो सच्चा भागवत भक्त होता है वो घृणा हिंसा प्रतिशोध अथवा विध्वंस के विचार को अपने मन में लाता ही नहीं। कभी भूलवश ये विचार यदि उसके हृदय में आ जाते हैं तो वो पश्चाताप और क्षमा के शीतल जल से स्वयं को शांत कर लेता है। दूसरों को दंडित करने के स्थान पर आपने अपने राग द्वेष और प्रपंच भरी मोह और ममता पर प्रहार करने का विचार करके सर्वश्रेष्ठ हरि भक्त होने का प्रमाण दिया है। देव ऋषि, इस सारे संसार में आपसे सर्वश्रेष्ठ हरि भक्त भला और कौन हो सकता है? नारायण नारायण, आपने उचित समय पर आकर मुझे विचलित होने से बचा लिया। यक्षराज, यक्ष मित्रों, हम आप सबको अपने सच्चे हृदय से क्षमा करते हैं। आप सभी निर्भय होकर अपने
अपना जीवन व्यतीत करें, अपनी कला, संगीत और नृत्य की प्रतिभा से पृथ्वीलोक को धन्य करें। परम भागवत भक्त प्रिय ध्रुव, पश्चाताप और क्षमा के शीतल भाव से तुमने अपना जीवन और हृदय पावन कर लिया है। मेरी भक्ति के कारण राग, द्वेष और माया मोह जैसे प्रपंच तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकते। प्रहार के लिए उठे अपने इस तीर का त्याग करो ध्रुव। त्रिलोकीनाथ जगदीश्वर भगवान विष्णु की जय। भक्तराज, अब तुम्हारे इस जीवन का सांसारिक कार्य समाप्त हुआ। अब आकाश की उत्तर दिशा में निर्मित, स्वयं प्रकाशित और उज्ज्वल अपने दिव्य ध्रुवलोक में निवास करो। जगदीश्वर, क्या ध्रुव हमें छोड़कर चला जाएगा? प्रभु, ध्रुव के जाने से कंपिला राजे का क्या होगा? हम सबका क्या होगा? हाँ। प्रभु, देवी सुनीति, देवी सुरुचि, संसार का कार्य किसी एक के विदा होने से रुक नहीं जाता। जो इस संसार में आता है उसे इसे त्यागना पड़ता ही है। ये प्रकृति का अटल नियम है देवी। परंतु प्रभु, माँ के सामने। देवी सुनीति, आपके पुत्र हमारी सर्वश्रेष्ठ भक्ति की शक्ति से जन्म लेकर भी अजन्मा बन गए हैं, और जो अजन्मा होता है वो बिना प्रयास के अमर हो जाता है। इसलिए भक्तराज ध्रुव अपने इसी शरीर के साथ इस पृथ्वी लोक से एक ऐसे लोक में जा रहे हैं जहां इनकी भक्ति के समान इनकी कीर्ति भी सदा सदा अमर रहेगी। आप धन्य हैं महाप्रभु, आपकी जय हो भक्त वत्सल, आपने मेरे पुत्र पर। भक्ति का सुफल ऐसा ही होता है देवी। अब हमारी भक्ति में लीन भक्तराज ध्रुव प्रलय काल तक अपने ध्रुवलोक में निवास करेंगे। क्या सोच रहे हो भक्तराज? हे दीनदयाल, मेरी माता सुनीति आपकी परम भक्त हैं। इन्हीं की भक्ति से मेरी आत्मा में आपकी पावन भक्ति का संचार हुआ। क्या ये भी मेरे साथ ध्रुवलोक में निवास करने के अधिकारी हैं? नहीं पुत्र, नहीं। अपनी दुखियारी बहन सुरुचि को इस दशा में छोड़कर मुझे कहीं भी जाना स्वीकार नहीं है। प्रिय उत्तम की असमय मृत्यु के कारण इसे भयानक आघात लगा है। जाओ पुत्र, जगदीश्वर भगवान श्री हरि का आदेश मानकर ध्रुव लोक की ओर प्रस्थान करो। मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। तुम धन्य हो देवी। देवी सुरुचि के साथ रहने का निर्णय करके तुमने एक बार फिर अपनी महानता सिद्ध कर दी है। भक्तराज ध्रुव, ध्रुवलोक के लिए प्रस्थान करो। जगदीश्वर भगवान नारायण और भक्तराज ध्रुव की जय। जगदीश्वर भगवान नारायण और भक्तराज ध्रुव की जय। जगदीश्वर भगवान नारायण और भक्तराज ध्रुव की जय। शनिदेव,
क्या आप भी मेरे साथ आंख मिचौली का खेल खेलना चाहते हैं शनिदेव? यदि आप मेरी पुकार का उत्तर नहीं देना चाहते शनिदेव, तो आपने मुझसे मित्रता की सौगंध क्यों ली थी शनिदेव? शनिदेव उत्तर दें, शनिदेव उत्तर दें। राहु, जिस ध्रुव को अपना भक्त बनाने के लिए हमने बचपन से लेकर आज तक प्रयास किए, वो सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। ध्रुव को हम ग्रहों से भी ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ और हम कुछ न कर सके। भाग्य विधाता शनिदेव कुछ न कर सके। हमारी भयानक और मारक कुदृष्टि का प्रभाव भी असफल हो गया राहु। हम असफल हो गए। क्या यही आपके विषाद, दुख और मौन का कारण है भागी विधाता शनिदेव? हाँ राहु, हाँ। इस पराजय के तंश ने शनिदेव को झकझोर डाला है। भाग्य विधाता शनिदेव ये निश्चय नहीं कर पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए, इस पराजय को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। राहु, चलिए विष्णु ने हमें इस खेल में नीचा दिखा दिया, नीचा दिखा दिया इस विष्णु ने हमें। असमय इस अट्ठास का कारण क्या है राहु? यदि आप ऐसी छोटी छोटी बातों पर दुखी और निराश होकर आहत होते रहेंगे भाग्य विधाता, तो आपकी घातक और मारक शक्ति का क्या होगा? वो कुंठित होकर रह जाएगी। आपकी विध्वंसक शक्ति को कुंठा से बचाने के लिए आपके मुक्त मन से किया हुआ अट्ठास ही आपके लिए सर्वोत्तम औषधि है भाग्य विधाता शनिदेव। प्रभु, उस विध्वंसक शक्ति को बचाने का क्या लाभ जो सफल ना रहा हो? अपनी कुदृष्टि और मारक शक्ति का प्रयोग करके हमें कुछ नहीं मिला राहु, कुछ नहीं। यह आप क्या कह रहे हैं भागी विधाता शनिदेव? मेरे अंतरात्मा के स्वर पर संदेह ना करो राहु। हमने जिस पर भी अपनी मारक शक्ति का प्रयोग किया, उसने हमें भय और घृणा की दृष्टि से देखा। कोई भी राहु अपने सच्चे हृदय से हमारा आदर सम्मान नहीं करता, कोई हमें पूज्य भाव से नहीं देखता राहु। शनिदेव, जो भी हमारी पूजा आराधना और भक्ति करता है वो भय की भावना से भयभीत होकर करता है, श्रद्धा और भक्ति के भावना से नहीं राहु। शनिदेव अब आप क्या करेंगे शनिदेव? क्या विष्णु विद्रोह, सूर्य विद्रोह, असुरों के उत्थान की शपथ अधूरी रह जाएगी भागी विधाता शनिदेव? इस समय हमें अकेला छोड़ दो राहु। शनिदेव, क्या आप मेरा साथ भी छोड़ देंगे शनिदेव? तुमने सदा हमें उत्तेजित करने का काम किया राहु, और कुछ नहीं। कभी तुमने भाग्य विधाता शनिदेव को अच्छे कार्यों का परामर्श दिया? नहीं दिया राहु, नहीं दिया। तुम्हारे साथ रहकर हमें सदा उपेक्षा और तिरस्कार के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। बस हमें अकेला छोड़ दो राहु, तुम जाओ यहां से, जाओ, हमें अकेला छोड़ दो।